मुझे प्रार्थना नहीं मालूम, मुझे अपना पूजा का प्रार्थना मालूम था, जो सुबह उठ के चंद्रमा करो तुम्हें अग्नि ना देव मानस्तु शत्रुवस्से गतोरणे, यही मालूम था मुझे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस उत्तम समय के लिए, अवसर के लिए। मैं आप लोगों के सामने कैसे मैं प्रभु में आया, मैं छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुराना विष्णुराम प्रेमनाथ भंडारी था, अभी जेम्स राम भंडारी बोलते हैं, ज़्यादा लोग जेम्स राम ही बोलते हैं। पहले बॉर्न अप ब्रॉट अप में नेपाल सेंगजा बोल के एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं उसको, पैदी खोला गांव में मैं पैदा हुआ। और बचपन से ही हमारे परिवार के लोग जो है ब्राह्मण्स थे, तो इसलिए बचपन से ही पूजा पाठ करना मुझे सिखाया गया और मैं बचपन से ही देखते आया। और माँ मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी कि मैं घर में पूजा पाठ करूँ, पुजारी का काम करूँ, ये पंडित का काम जो बोलते हैं वो करूँ, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन दिल से मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप की इच्छा थी कि मैं उस बात को करूँ। तो उनके रीति रिवाज में मैं पला बढ़ा। आठवीं साल की जब मेरी उम्र हुई तो मेरा वर्तमान हुआ। वर्तमान उसको ये कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण ये जनेऊ डालने का एक रिवाज रहता है। जैसे मसीह लोग विश्वास करते हैं कि इवन मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आपने इति व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। बाइबल के मुताबिक आप तभी उसके संतान बनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता होकर ग्रहण करते हैं। वैसे ही ब्राह्मण्स भी मेरे समय पर ब्राह्मण्स जब सपोज किसी ब्याह के लिए या कोई और फंक्शन के लिए लड़का हो या लड़की को देखने जाएं तो वो कहते थे, ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी पूछते थे, क्या इसका वर्तमान हुआ? मतलब वर्तमान होने के बाद वो कहते हैं कि वो उनका विश्वास के अनुसार वो सही ब्राह्मण के अपने रीति रिवाज पर या सही पर वो हो गया, तो इसलिए वो पूछते थे। तो इसलिए मेरे आठवें साल की उम्र में मेरी वर्तमान हुआ। उसके बाद मेरी दिनचर्या थोड़ा बदलती गई, मतलब सुबह मुझे उठना पड़ता था, नहाना पड़ता था, सुबह उठ के नहाया, थोड़ा सा गंगा का पानी, क्योंकि हफ्ते में एक बार गंगा में नहाने जाते थे तो गंगा का पानी लेके आते थे। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठे पहला नहाने से पहले ये जो गंगा का पानी लेके आए हैं उसको थोड़ा बाल्टी में हो या जो भी बर्तन में पानी रखा उसमें डाल के उस पानी से नहाते थे। और उसके बाद क्या बोलते हैं मंत्र जो सिखाया गया था मुझे वर्तमान के दिन ये मंत्र को जपते थे। उसके बाद फिर कुछ पूजा करने के बाद और टीका लगाने के बाद या अमृत बोले या हमारी भाषा में प्रसाद वो देने के बाद ही फिर मैं स्कूल में जाने के लिए खाना खा के कपड़ा पहन के स्कूल में, ये मेरी दिनचर्या थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बिल्कुल ये क्या है कोई पता कोई जानकारी मुझे नहीं थी। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये एक क्रिश्चियन बोल के एक लोग हैं जो हमारे भाषा में बोलते थे कि ये गाय खाने वाले लोग हैं, तो उनसे हमारी दिल से ही हम घृणा करते थे। वहाँ हमारे वहाँ कई भाइयों की हमारे उनकी बात चलती थी तो कहते थे इनके बारे में नेगेटिव नकारात्मक बारे ही बातें ही इनके बारे में बोला जाता था। तो मेरे दिल के अंदर से मसीहों के लिए बड़ी नफरत की भावना थी। तो जैसे मैं बढ़ता गया पूजा करता था जरूर, लेकिन उन नियमों का मैं पालन खरे रीति से पालन नहीं करता था। कारण वहां से मैं काफी दूर स्कूल में पांचवी क्लास हमारे गांव के पास के स्कूल में खत्म हुआ, उसके बाद छठवीं क्लास से दूसरी जगह में दूर करीब 6-7 किलोमीटर
हमें पैदल चल के 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के एक पहाड़ और वैली को चढ़ के क्रॉस करके मुझे स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल में भी उस समय काफ़ी रूढ़िवादी थी, मतलब छूत अछात माना जाता था। स्कूल से आने के बाद मुझे गंगा जल से छिड़काया जाता था और उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करने देते थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी। जब एक दिन जब ये छुआछात मानने लगे, मैं अपने पुजारी से पूछा, बोला पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये क्या बात है कि मंदिर में भी जब ब्राह्मण आता है तो हमारे प्लेट से प्रसाद बड़े भक्ति के साथ लेता है, लेकिन जो दूसरे जात वाला भी मंदिर के पास आ रहा है और उसको प्रसाद मेरे प्लेट से लेने का हक नहीं है, वो दूर खड़े रहता है और मुझे उसको ऊपर से डालना पड़ता है, छूना भी मना है, ये मंदिर में भी ऐसा क्यों है? तो पंडित जी बड़े गुस्से हो गए, ठीक से लंगोटी पहनना नहीं आता और हमसे सवाल पूछने आ गया, चुप कर। तो मैं डर गया, पंडित जी का ये गुस्सा होना मैं बड़ा डर गया। उसके बाद मुझे सवाल पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल उठा, क्या ये परमेश्वर है जिसकी मैं उपासना करता हूं, जिसे मेरे माँ बाप लोग जो करते आ रहे हैं, जिसके लिए मुझे करने के लिए बाध्य करते हैं, क्या यही परमेश्वर है, क्या और कोई परमेश्वर है जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे मानव जाति को बनाया, सबका बनाने वाला सृष्टि करता तो एक परमेश्वर है, परंतु क्या यह परमेश्वर है जिसकी मैं उपासना करता हूं? कई हमारे देवता हैं, ग्रह देवता जिसको बोलते हैं, कहीं झांकरी देवता है, कहीं नाग देवता है, कहीं गरम सूर बोल के वहां है, साल में एक बार बकरा को काट कर वहां खून को चढ़ाते हैं, कहीं वहां हमारे भाषा में बोलते हैं भक्कल मानना, मतलब इतना ये मेरा पूरा हो जाएगा तो यहाँ सोना का ये चढ़ाएंगे, वहाँ ये चढ़ाएंगे। कई जगह में मेरे घर के अंदर भी कई ऐसे मतलब मन्नत मान मान के कई बर्तन जो है जो बहुत इस्तेमाल किया जाता था, उन बर्तनों को लाल कपड़े में लपेट के वो मन्नत मान के उसको ऊपर चढ़ा देते थे, मतलब जब मन्नत पूरा होगा तब उस बर्तन को उठा लिया जाएगा। तो उससे पहले वहां जाके कभी सोना चढ़ाना है, पीतल चढ़ाना है, लोहा, क्या जो मन्नत माने रहते हैं उसको चढ़ाना पड़ता। तो ऐसी कई बातों से मेरा मन जो है बड़ा कंफ्यूजन में था, मैं दो दिमाग में था, ये क्या सच्चाई है, कौन परमेश्वर है, क्या यही परमेश्वर है, क्या और कोई है, ये सवाल मेरे अंदर था। लेकिन मेरे दिल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, दिल से मैं चाहता नहीं था कि मैं ये पुजारी बनूं, ये काम करूं। मैंने पिताजी से बोला मैं और पढ़ना चाहता हूं, कहीं जाऊंगा, मेरे को कहीं भेजिए, लेकिन वो मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं, मुझे यहीं वहीं पढ़ना है और ये वहीं के धार्मिकता में आगे बढ़ना है और गांव का जो काम है वो सब बातें करना है। उन्होंने मुझे ऐसा शिक्षा दिया और वैसे बढ़ाते गए। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं पढ़ूं या घर से निकलूं कैसे भी करके। तो एक दिन मैंने ऐसा योजना बनाया कि मैं घर से निकलूंगा। हमारे गांव से कुछ लोग दिल्ली वगैरह में निकलने वाले थे, मैं माँ बाप को बिना बताए वहां से मैं किसी के साथ नेपाल छोड़कर मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद मैं दिल्ली में दरियागंज बोल के एक जगह में हमारी पहचान के एक भाई थे, वहां रहता था। वहां एक दिन मेरे को ऐसा बोला गया कि मैं पिक्चर देख के आ रहा था वापस, तो घर का लड़का बोले देखो तुम्हारा पिताजी लेने आए हैं तुमको वापस ले जाने के लिए, जल्दी जाओ। तो मैं डर गया ये सुनते ही, डर के वापस दौड़ के बस स्टैंड में आया और जो बस मिली उसी में चढ़ा। चढ़ने के बाद पूछा ये बस कहाँ जाता है, बोले चंडीगढ़ जाता है। चंडीगढ़ जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था, पहली बार सुना था। वो बढ़ गया चंडीगढ़ वाला, गया उसी में चंडीगढ़ आके उतरा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई किसी चीज को कोई मालूम ही नहीं था। इतने में ऐसे घूमते घूमते देखा कि एक चौकीदार भैया में देखे, मेरे को देखने से लगा कि ये कहाँ नेपाल जैसे लगते हैं। मैं पूछा क्या आप नेपाल से हो, जब बोले हाँ मैं नेपाल से हूँ, मेरे में जान आ गई कि कोई तो मिला मेरे को। तो उन्होंने बोला भैया मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मेरे को थोड़ा सा सर झुकाने के लिए एक दिन की दो दिन के लिए जगह चाहिए।
उन्होंने बोला मैंने अपनी पूरी कहानी सच सच बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। तो वो भी गुस्सा हो गया, बोले तुमने गलत किया है, तुम वापस जाओ। मैं बोला भैया मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मुझे दो दिन आप कैसे भी रुकाओ, यहाँ आया हूँ तो कुछ देख लूँ। तो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने पास रखा, देख लूँ। तो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने पास रखा। रखने के बाद पिक्चर देखने की, अब नया नया आया था गांव में, तो कभी पिक्चर हमने सुना था, देखा कभी नहीं था। तो यहाँ भी पिक्चर हॉल खोलते खोजते गया, तो पिक्चर हॉल मिली, गया पिक्चर देखता, रोज पिक्चर देखना मेरा काम था। तो इतने में एक अकाउंटेंट नेपाली, अनिल कुमार बोल के एक भाई मलयाली जो केरला में से थे, वो मिले, वो वहाँ अकाउंटेंट थे, वो भी पिक्चर देखने में बड़े माहिर, और मैं भी, जैसे हिंदी में कहते हैं ना चोर चोर मसेरे भाई, तो हम लोग दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, समझे ना, अच्छी दोस्ती हो गई। तो इसने बोला यार तू मेरे साथ रह, मैं मालिक से बोलता हूँ, मैं हमारी कंपनी में तेरे को कुछ छोटा मोटा काम मिल जाएगा। तो मेरे को तो सोने में सुहागा बोलते हैं ना, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने बात किया, तो मुझे चपरासी के रूप में भर्ती कर दिए, वहाँ नौकरी मिल गई मेरे को, फाइल इधर उधर लाना है, सफाई वफाई करना है, और चाय वाय पिलाना है, तो चाय भी ऐसी फ्री मिल जाती थी, दोपहर का खाना भी मिल जाता था, मेरे लिए तो सोने में सुहागा हो गया। तो वहीं फिर मैं हमारे नेपाली भाई को छोड़कर अनिल के साथ में रहने लगा, रोज पिक्चर जाने लगा। इतने में लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बोलते जा रहा हूँ लग रहा है। तो मैं इनकी पिताजी की, अनिल कुमार के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने बोला कि मैं विष्णु मैं जा रहा हूँ केरला, अगर तेरे को आना है तो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं केरला दिखा देता हूँ। तो फिर एक डर था कि नौकरी छूट जाएगी, तो फिर उन्होंने जब बोला तो नौकरी तो और कोई मिल जाएगी, ऐसी नौकरी मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी, तो फिक्र मत करूँ। तो फिर मैं सोचा छोड़कर उनके साथ, ऐसे में केरला में पहुंचा। केरला में पहुंचने के बाद इसने बोला कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन पिताजी का दुकान मैं संभालूंगा और उनका बिजनेस जो है वो संभालूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तू यहाँ रहना चाहता है तो रह जा। मैं बोलकर उन्होंने बोला, तो मुझे उनका भाई को एक सरकारी नौकरी मिल गया अनिल कुमार का, और मुझे जो भाई एक साबुन का कंपनी में काम करता था, साबुन पैक करने का, तो छोटी सी नौकरी थी, उसमें बोला अगर तू चाहे तो यहाँ मिल जाए। तो मैं उनकी बात मानकर वहां ज्वाइन हो गया एर्नाकुलम में। इतने में जब वहां काम करता था, मैंने कभी स्मोकिंग नहीं किया था, कभी दारू नहीं पिया था, लेकिन यहां दोस्तों के साथ एर्नाकुलम में ये सब स्मोकिंग सीख गया और दारू पीने सीख गया, और थोड़ा सा मैं रास्ता से भटक गया, थोड़ा सा क्या पूरा ही भटक गया। लेकिन वो मैनेजर जिसमें मैं, मेरा हमारा सुपरवाइजर जो था, वो जो है बहुत ही एक सिद्धांतिक आदमी था। मैं उस समय छोटा सा लड़का था, सोचिए 16-17 साल का लड़का, क्या छोटा सा लड़का था, और उस समय बोलते थे कि ये देखने में बड़ा अच्छा लगता, स्मार्ट था बोलते हैं उस समय, अभी तो इतना उम्र हो गया तो स्मार्ट सब चला गया। तो बोलते थे तो देखने से लगता है कि तो अच्छा कोई परिवार का है, तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे इतनी छोटी सी उम्र में दारू पी रहा है, तो क्या अच्छा कर रहा है। उन्होंने बहुत डांटा और समझाया मुझे, और मैं समझा मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ने की कोशिश करता था, छूटता नहीं था। एक दिन छोड़ देता, दो दिन छोड़ देता था। उस समय पानामा सिगरेट सिर्फ 10 पैसा में मिलता था एक पानामा, तो मैं सोचा कि भाई ये 10 पैसा का मैं किसी का थोड़ी खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, किसी को क्या तकलीफ है, अपने आप किसी से नहीं, मन ही में ऐसा बोलकर। तो दारू भी ऐसे अपना कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी पी रहा हूँ, कभी कभी पीता हूँ, ऐसा करके दो दिन छोड़ता, तीन दिन छोड़ता, उसके बाद फिर करता, ऐसा मैं हो रहा था। इतने में कि मैनेजर, ये सुपरवाइजर फिर से मुझसे पूछे कि तुमने छोड़ा, तो मेरी मुंडी नीचे हो जाती थी, तो मेरे को बड़ी गिलानी हुई। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया, बेटा तुम एक काम करो, ये जगह तुम छोड़ दो, तुम अपने दोस्ती को छोड़ो, ये नौकरी भी छोड़ो। मन में आया मैं कितने को छोड़ू, कहां कहां छोड़ो, क्या करो, लेकिन फिर भी इनकी बातों को मैंने लगा, मेरा एक दोस्त है ट्रिवांड्रम में, वो तुम्हें कुछ अच्छा काम बताएगा, वो क्रिश्चियन है, वो तुम्हें अच्छा मार्ग बताएगा, तुम्हारे लिए कोई रास्ता खोलेगा, तुम ये काम करो, ये छोड़ो। उनकी बात को मानकर, वहां छोड़कर उनके बताए के अनुसार, मैं ट्रिवांड्रम बोल के एक जगह है केरला में, वहां कैपिटल, वहां पर चला गया। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर माणी बोल के थे, उन्होंने कहा, इनके दोस्त ने
जो माने हैं उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम टेक्निकली कुछ सीखो, सीखने के बाद तुम आजकल तो लोग बाहर जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, तुम्हारी अच्छी नौकरी मिल जाएगी एंड यू कैन मेक ए गुड लाइफ। तुम अपनी जिंदगी अच्छे बना सकते हो, माँ बाप को तुम अच्छा सहायता कर सकते हो, जिंदगी में तुम कुछ बन सकते हो। मेरी इच्छा यह है कि तुम टेक्निकली कुछ सीखो, मेरा दोस्त ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला है तो तुम ऐसा करो। तो वो मुझे एक जयमादा टेक्निकली जो बिल्डिंग और ये सिखाते हैं ITI का जो कोर्स होता है वैसे उस जगह में जयमादा बल्कुबास साहब था ट्रिवांड्रम मेडिकल कॉलेज के, एक कैथोलिक चर्च का और दोनों भाई मिलकर चलाते थे। वहाँ मैं उनकी बात मानकर ये टेक्निकली सीखने के लिए मैं चला गया। उस वक्त पहली बार जिंदगी में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। वो एक सीवी जॉन वायरलेस इंस्पेक्टर थे, वो मुझे नहीं मालूम था उस समय कि वो इंस्पेक्टर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी ऐसे बहुत खराब थी, बहुत गंदे जिंदगी वो व्यतीत करते थे, हर प्रकार की बुराई में लिप्त थे, लेकिन कोई घटना के वजह से और प्रभु यीशु ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गए और ड्यूटी खत्म होने के बाद 5 बजे से जब वो घर पहुंचते थे 5:30 से 6:30 तक 1 घंटा कभी रेलवे स्टेशन में, कभी बस स्टेशन में, कभी कोई जंक्शन में, कॉलेज में, हाई स्कूल में, कहीं भी जाकर जेल के अंदर जाकर पर्चियां बांटते थे, यीशु मसीह के बारे में बोलते थे। एक दिन हमारे इंस्टीट्यूट के सामने आकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति का, किसी लोगों का परमेश्वर ईश्वर नहीं है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो शांति का प्रभु है, वो तुम्हारी जिंदगी को जानता है, चाहे तुम कोई भी जात के हो, कोई भी प्रकार के इंसान हो, वो तुमसे प्यार करता है, वो शांति दाता है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या सच है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ऐसा मेरे मन में चिढ़ भी आ रही थी। तो मैंने उसके बाद उन्होंने एक पर्ची दिया मुझे पढ़ने के लिए, बोले इस पर विश्वास करो तुम्हें शांति देगा प्रभु। मैं बोला 33 करोड़ हमारे भगवान हैं, है उनका नाम लेने का समय नहीं है, ये 34वां तुम कहां से लेके आए, हैं गोरे लोगों का धर्म, ऐसा बोलकर उस पर्ची को मैंने ऐसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े किया और उनके सर पर डाल दिया। सर पर जब डाला उन्हें ऊपर नीचे देखे मुझे थोड़ा डर लगा, कहीं ये मुझे झापड़ तो नहीं मारेगा, लेकिन मन के अंदर मैं सोच लिया था कि ये मारेगा तो मैं भी मारूंगा, अंदर ऐसी सोच रहा था। लेकिन इतनी सोचते ही मैं 2 मिनट ये ऊपर से नीचे देखे, अच्छे लंबे चौड़े पुलिस इंस्पेक्टर थे वो, मुझे नहीं मालूम था क्योंकि साधारण ऐसे यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो अपने सिविल ऐसी ड्रेस में थे। ऊपर से नीचे देखे थोड़ा डर भी जरूर लग रहा था, मोटे आदमी तो थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2 मिनट के अंदर ऊपर नीचे देखने के बाद वो मुस्कुरा के चल दिए। प्रिय भाई और बहनों, जब उन्होंने मुस्कुराकर चल दिए मेरे दिल में ऐसे तीर के समान इतनी गिलानी हुई, इतना गिल्टी मुझे फीलिंग हुआ, आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। कुछ भी हो, ये ईश्वर के बारे में बोल रहे थे, प्रेम के बारे में बोल रहे थे, शांति के बारे में बोल रहे थे। जब मैं 33 करोड़ का सहरा हूं तो एक और हो जाता, उसमें क्या था, कुछ भी हो ईश्वर के बारे में बोल रहे थे। ऐसी मेरे मन में बड़ी ग्लानी हुई, आई वाज सो इमोशनल गिल्टी, ऐसा फीलिंग हुआ। उसके बाद कभी भी जब मैं ये काले किताब को पकड़ते हुए, बाइबल पकड़ते हुए देखता था तो मुझे इनसे डर लगता था। आई यूज्ड टू कीप अवे, उनसे दूर रहता था, कभी इनके करीब में नहीं आया, दूर रहा इनसे, मैं इनके करीब नहीं जाता था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जहां से मैं पढ़ रहा था मुझे सर्टिफिकेट मिली और मैंने एजेंट को पैसा दिया था उस जमाने में बाहर जाने के लिए। तो एजेंट के पास जब डकमाणी के साथ मैं जब गया, उन्हीं के थ्रू मैं एजेंट के पास गया था, पैसा भी दे दिया था। तो जब वहां पहुंचा तो मैं देखता हूं कि करीब 35-40 लोग करीब होंगे, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, लेकिन 30-40 लोग थे। कोई छाती पीट रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है। मैं पूछा क्या हो गया, तब पता चला कि जो एजेंट है सबका पैसा लेकर फरार हो गया। कहां गया, ऑफिस वहां है लेकिन ये कहां है किसी को पता नहीं। तो मुझे भी जब मालूम हुआ तो पता चला सबका पैसा लेके चला गया है, भाग गया है। जब ये मालूम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खो गया, मेरे को चक्कर आने लगा, घर
पेड़, जंक्शन, दुकान सब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और मैं भी घूम गया और नीचे गिर गया, मेरे शरीर से पानी भी निकल गया, मैं नीचे गिर गया, होश नहीं, करीब तीन चार मुझे चार मिनट होश नहीं। ये डॉक्टर माणी जो थे, इन्होंने पानी मेरे सर पर डाला, पानी पिलाया, पांच मिनट के अंदर मैं होश में तो आ गया, लेकिन कांपा हुआ था। आई लॉस्ट द होप ऑफ माई लाइफ। मुझे ऐसा लगा, मैंने माँ बाप की बातों को नहीं माना, पूजा करने को मैंने त्याग दिया, भगवानों को छोड़ दिया, और सब माँ बाप की भी बातों को नहीं माना, सबको त्यागने के कारण ये हो सकता है ये भगवान की सजा है, मार है। मेरे जैसे आदमी को जीना बेकार है, सबसे अच्छा मर जाना अच्छा है। मैं ऐसे जाकर माँ बाप को क्या बोलूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, किसी लाइक का मैं नहीं हूं, मरना अच्छा है। मैं वापस दिल में ये सोच लिया था कि अब जीना बेकार है, मैं कहीं जाऊंगा, अपने लाइफ को खत्म करूंगा, मैं कौन हूं, क्या हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, ये जीना बेकार है, मरना अच्छा है। बोलकर वापस मैं आ गया वहां से, वो मेरे कमरे में छोड़ दिए। लेकिन मैंने उसी दिन शाम को मेडिकल स्टोर में गया, नींद की गोली ज्यादा खाने से मर जाते हैं, इतना मुझे मालूम था। दो दुकान में गया, नींद की गोली लिया, उसके बाद डेट्रोल के दो छोटे बोतल खरीदा और जेल को बैग में डाला, और वापस आकर मैं इसको झोले में डालकर मैं बस स्टैंड में गया, ट्रिवांड्रम मेडिकल कॉलेज के बस स्टैंड में जाकर मैं सी शोर में जाऊंगा और ये पीऊंगा और ये दो गोली खाऊंगा, वहीं खत्म हो जाऊंगा, किसी को नहीं मालूम चलेगा कौन है क्या है, ज्यादा होगा तो समुद्र में ये लोग डाल देंगे, मछली मेरा शरीर खा लेगा, ये मेरी थिंकिंग थी। तो मैं थिंकिंग होकर मैं बस के अंदर बैठा, बस के अंदर जब बैठा था तो पूछ रहा था कि बस कहाँ जाती है, कोवलम बोल के एक जगह है तो वहां जाने के लिए ये जाती है, पूछा तो उसने बोला ये जाएगी, तो मैं उसी में जाके बैठा, उसमें कोई नहीं था उस समय। उसके बाद धीरे से कंडक्टर आ गया, ड्राइवर आ गया, कुछ लोग भी आ गए, तब मेरे मंदर कोई कहता है तू मरने से पहले उस आदमी को जाके मिल जिसको तूने पागल कहा था, जिसका तूने बुरा व्यवहार किया था। तो ये मेरे मन में आ रहा, मैं फिर बोला क्यों उसको जाके मिलता हूं, तो बस से उतरा, फिर जब मैं क्यों जाऊं, पर उसको तो मैंने पागल कहा था, फिर चढ़ने लगा, जब अंदर बैठता हूं फिर ये होता है, फिर उतरता हूं, इतने में कंडक्टर मेरे पास आया, टिकट ले रहा, मैंने नहीं लिया, तो उसने बोला कि ये तुम्हारी बाप की गाड़ी नहीं है, तू उतरता है चढ़ता है, लेना है तो ले, नहीं तो जा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं अपने दुख में था, उतर गया, फिर दूसरी बस में चढ़ा, वहां भी यही होने लगा। आखिर में मैं सोचा कुछ भी हो जाके मिलता हूं, लेकिन मुझे ये कहां रहते हैं, क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं मालूम। एक आदमी से पूछा, एक लोग हैं जो काला किताब पकड़ते हैं, उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये बाइबल है, ये काला किताब पकड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पर्चियां देते हैं। तो जिससे पूछा था उसने बोला क्या ये गीत भी गाते हैं, मैं बोला हाँ वो गीत भी गाते हैं। तो उसने फिर मेरे को डायरेक्शन बताया, यहां जाओ, यहां से सीधा तुम निकल जाना, जब कंपाउंड वॉल खत्म हो जाएगा तो तुम राइट को मोड़ना, वहां आज उनका प्रार्थना का दिन है, सही ढोलक की आवाज सुनाई देगी या ड्रम की आवाज, तो वो ड्रम का अगर बज रहा है तो वहीं जाना, नहीं तो पूछना किसी से यहां प्रार्थना वाले कहां रहते हैं। एग्जैक्टली वैसा मैं चला गया, तो मैं वो ड्रम की आवाज सुना तो चला गया, तो वहां एक स्मॉल छोटा सा शेड था, वहां नारियल के पत्तों का बनाया हुआ एक शेड था, चर्च ऑफ गॉड बोल के चर्च का एक छोटा चर्च था वो एक। तो वहां जाके जब प्रार्थना हो रही थी, सब ताली बजा रहे थे और बहुत कोई उछल रहे थे, पराए पराए लोग उछल रहे थे, अन्य क्या अभी मेरे को मालूम है कि अन्य भाषा बोल रहे थे, लेकिन उस समय मालूम नहीं था, उछल रहे थे बड़ी। तो मैं बोला ये सबके सब पागल कैसे हो गए, दो तीन लोग अगर उछलते पागल हो जाते तो ठीक है, लेकिन ये सबके सब कैसे। लेकिन 15 मिनट करीब मैं देख रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद ये शांत हो गए। शांत होने के बाद मेरे मंदर सवाल में ऐसे आया कि कोई मेरे मंदर कह रहा है तू जाके बैठ, ये प्रभु के लोग हैं, कोई हानि नहीं करेंगे तेरे लिए। दूसरा कह रहा है तूने इनको पागल कहा है, बुरा किया है, ये तुझे मार के कुएं में डाल देंगे। ये दोनों संघर्ष मेरे अंदर हो रहा था, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये कुछ आखिरी में सोचा खुद तो मैं मरने के लिए जा ही रहा हूं, अगर ये लोग मार देते हैं तो और अच्छा है। मैं जाके एकदम पीछे बैठा, बिल्कुल हिप्पी था मैं, लंबे बाल थे, टोपी लगाया हुआ था, पीछे से देखने से पता भी नहीं चलता था कि ये लड़का है कि लड़की है, ऐसा मैं था। मैं एकदम पीछे जाके बैठा, तब पादरी साहब खड़े होकर बोलने लगे, प्रभु यीशु मसीह वो हर एक मानव से प्यार करता है, वो
तुम्हें शांति देना चाहता है। वो किसी जात और भाद को परमेश्वर ने नहीं बनाया है। परमेश्वर ने सिर्फ दो जात बनाया है, स्त्री एंड पुरुष। बाकी जात और भाद का जो मनुष्य का बनाया हुआ ढकोसला है, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परमेश्वर का वचन प्यार है और तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हें जानता है और तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तुम्हारे अपराधों को पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए तुम्हें शिफा देने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए यीशु ने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तुम्हारे अपराध के कारण उसके हाथों में कीले ठोके गए, पांव में कीले ठोके गए, सर में कांटों का मुकुट पहनाया और उसको क्रूस पर टांग दिया गया और कहा सब कुछ, यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। वो तुम्हारे लिए है, वो शांति देना चाहता, तुम्हारे लिए सब कुछ यीशु ने पूरा कर दिया है। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें जानता है, वो शांति दाता है। जब उन्होंने कहा, मेरे अंदर सवाल है, क्या ये सच है, क्या वो मुझे जानता है? नेपाल में एक गांव में रहने वाला एक पुजारी को क्या वो जानता है? क्या ये सच है? अगर ये सच है तो इस इश्यू को मैं जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। मुझे प्रार्थना नहीं मालूम, मुझे अपना पूजा का प्रार्थना मालूम था, जो सुबह उठ के चंद्रमा मन सो जातक सो सुजो जो अजायता हम सुबान संजूता विदानम करो तुम्हें प्रथमम सलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी हम सुबान संजूता विदानम करो तुम्हें अग्नि ना देव मानसु शत्रुवसे गतोरण, यही मालूम था मुझे। लेकिन ये प्रार्थना क्या है ये कुछ भी नहीं मालूम। मैं बोला, प्रभु अगर तू सच है, अगर मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर बलिदान हुए हैं, मेरे श्राप को, मेरे अधर्म को, पापों को आपने अगर क्रूस पर ले लिया है, अगर आप शांति दाता हैं, अगर वो मुझे जानते हैं, आप मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं, तो मैं आपको जानना चाहता हूं, अपने लाइफ में अनुभव करना चाहता हूं। Somehow I want to know, test you, know you। प्रार्थना नहीं मालूम था ये मैं कह रहा था। इतने में सोचते सोचते पता नहीं मेरे अंदर एक गिलानी होने लगी और मैं रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा, बोले बच्चे के समान रोने लगा। उसके बाद एक पास्टर सीआई एलेक्स थे, उनके पास जाकर उनके पांव पर मैं गिर पड़ा। उन्होंने बोला, बेटा तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम यीशु से मांगो। मैं घुटने में जाकर मैंने कहा, प्रभु मैं पापी हूं, आपके और आपके लोगों के खिलाफ मैं बहुत बुरा भला कहा हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मुझे शांति दे। ये चार शब्द मैं बार बार रिपीट करते रोते हुए रोते रहा था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऐसे रोते कहने लगा। उसके बाद पासवान ने मुझे, मैं खड़ा हो गया, वो मुझसे पूछने लगे, तुम कैसे यहां आए? तो मैंने अपनी कहानी बताई और ये जो मेरे झोले में था इस बात को उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा, वो मेरे दोनों हाथ से गले लगाकर मेरे से लपेट कर वो भी रोने लगे, मैं भी रोने लगा। और उन्होंने कहा, यदि तुम बुरा मत मानो तो मेरी तीन बेटियां हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ तुम मेरे बेटे हो। ये प्रभु की योजना है कि तुम इस प्रकार से यहाँ, तुम यूं ही नहीं आए हो, प्रभु ने तुम्हें यहाँ लाया है। पास्टर ने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दी। उसी दिन मैं जाकर अपना सामान लाकर उनके साथ मैं उनके घर में रहा। उन्होंने मुझे न्यू टेस्टमेंट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी उस दिन, मेरी जिंदगी बदल गई। यीशु मेरे दिल में प्रभु होकर मेरे दिल में आया, मेरी जिंदगी बदल गई। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यीशु भला है, वो विश्वास योग्य है। ऑल मे लेट यू डाउन बट जीसस विल नेवर लेट यू डाउन। सब आपको छोड़ देंगे, भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आपके मित्र, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप और आपके मामा चाचा सब लोग अकेले कर देंगे, अकेले छोड़ देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन मैं अपने जन्म, अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु आपको कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ रहेगा और आपको शांति देगा, आपको जीवन देगा। ये प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह दिया और यीशु को पहचानने की सौभाग्य मुझे मिला। आज आप अगर मुझसे आप सवाल पूछोगे, मेरे पास एक जवाब है, जेम्स या बिष्णु, तुम्हारी जिंदगी के सबसे सुनहरा,
सबसे अच्छा सौभाग्य अगर तुम अपनी जिंदगी में कहोगे तो किस बात के लिए कहोगे? मैं कहूंगा वो दिन मेरे लिए सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा और उत्तम दिन था जिस दिन यीशु मेरे जीवन का प्रभु हो गया, जिस दिन मैं उसका संतान बन गया। वो दिन मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुनहरा है, सबसे अच्छा है। आज मैं सिर्फ मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं प्रभु के लिए क्या दे सकता हूं। मेरा जीवन, मेरी योग्यता जो भी है, मैं खुदा के लिए दे सकूं, उसके लिए खड़ा हो सकूं। मेरी नम्र निवेदन और प्रार्थना आप सबके लिए यह है कि उसके मोहब्बत को, उसके प्यार को आप जानें, उसके बेटे और बेटी बन जाएं और उसके प्यार को जानकर प्रभु के लिए आप आगे बढ़ सकें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद सुनने के लिए और इस मौके के लिए, मुझे अपनी गवाही बताने के लिए आपने यह मौका दिया। प्रभु आपसे प्यार करता है, उसके प्यार को जानें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।